एम क्रिएशन जो है वो एक एम लेके आया है जो अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो प्लीज़ विजिट कीजिए और 3 दिन का फ्री डेमो लीजिए और देखिए कि हमारा क्वालिटी कैसी है। एड्रेस एक बार बता जी। सदर मंगलवारी NMC कॉम्प्लेक्स नागपुर। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मैं हूं रियाज शेखर, आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज चैनल। इस वक्त हम है सद्भावना हॉलॉन में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उड़ान की तरफ से यहां 80 इंस्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें एक एम्स क्रिएशंस भी है जो बहुत खुश सिखाने की बात करता है, कोशिश करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से दिशा और दशा इंसानों की बदली है, तो लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायता करने के रूप में जरूर आता है। इसीलिए एम्स क्रिएशंस भी आपकी मदद के लिए इंस्टॉल लगाया गया है, जिसमें आपको एडमिशन लेना है, आपके बच्चों को एडमिशन लेना है और आपको सीखना है बहुत कुछ। आइए हम बात करते हैं बाजी से। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम अर्शी अली है और मैंने एम क्रिएशन एक नया ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। हम बात करने वाले हैं अर्शी अली बाजी से और वो हमें दिखाएगी कि यहाँ क्या होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, हम दिखाने वाले हैं आपको डिजाइन के अलग अलग रूप और बहुत कुछ। बाजी क्या क्या है एम्स क्रिएशन में, क्या है? एम क्रिएशन एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्टिंग हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें ये जैसे कि बजट मेंटेन हो जाता है हमारा, और 6 मंथ क्रैश कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो हम ऑनलाइन उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। अच्छा, इस कितने महीने का कोर्स रहता है? इट डिपेंड्स कि वो कितने महीने का, क्योंकि कुछ हाउसवाइफ होती है जो वो करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती है, तो हम उनको फ्लेक्सिबल टाइम पर ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे क्या है वो आप देख लीजिए। हाँ, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे जैसे कि ये ग्राफिक्स डिज़ाइन है जो सिविल स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगते हैं, ये अंजुमन के पास में है। सबसे पहली बात तो नागपुर के सेंटर सदर में आए हैं हम छोटा सा लेके, कि एक यहाँ पर उड़ान एग्जीबिशन के साथ में हम भी उड़ सके। बिल्कुल। तो इसमें कलर थेरी होती है, इंटीरियर का तो आज बहुत क्रेज़ है, हर कोई चाहता है कि उनका घर अच्छा दिखे, कैसे स्पेस यूटिलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें। ऑटो कैड होता है जिसमें हमको ये ड्राफ्टिंग, ये देखिए ये प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, ये 2D ड्राइंग अगर हम कर रहे हैं तो ये बनाना कैसे है, इसके स्पेस को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसको 3D में कैसे लेके आना है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसमें और क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हैं? इसमें सिविल के स्टूडेंट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स है, इसमें हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बेसिक सिखा सकते हैं। कलर थेरी इसलिए कि कलर की वैल्यू क्या होती है, कौन से रूम में कहाँ पर क्या कलर हम देना चाहना है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। एजुकेशन क्या लगता है इसमें? एजुकेशन 10th और 12th का क्वालिफिकेशन है, 10th के बाद भी आप कर सकते हैं, 12th के बाद भी। 6 मंथ का है या और? हाँ, बट ये है कि 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं एंड 12th के बाद आप डिग्री ले सकते हैं। उन डिग्री या उससे फ़ायदा क्या होने वाला है लोग? आजकल तो बहुत स्कोप है सर, इवेंट ऑर्गेनाइज ये जो हो रहा है ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के इस पे ही होता है ये सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन फील्ड में इतना सब कुछ है कि आज जो डेवलपिंग है तो ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में ये सारी चीज़ें बहुत काम में आती है। तो सिविल इंजीनियर इंजीनियर के लिए भी काम में आता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सप्लेन कर पाऊंगी वहाँ पर कि एग्जैक्टली इंटीरियर डिज़ाइनिंग का करना क्या है। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि क्या होता है कि शिक्षा ऐसी चीज़ होती है कि जितना सीखे उतना कम होता है, और जितनी इसकी डीप में जाते हैं इंसान उतना ही सीखते जाता है और उसकी लाइफ में जो है ग्रोथिंग पैदा हो जाती है। एम्स आप देख रहे हैं कि जिस तरह से क्रिएशन अपने काम को लगातार अंजाम दे रहा है, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स में बाजी ने जिस तरह से बताया है, और ये कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी का रास्ता भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले और अपनी नॉलेज को, अपने कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद।